बरकट्ठा में दूसरे दिन भी असरदार रहा ड्राइवरों का आंदोलन। कई घंटे जीटी रोड रहा जाम। मौके पर अंचल अधिकारी और बरकट्ठा पुलिस जाम को हटाने का प्रयास करते हुए बरकट्ठा चौक के पास ट्रक ड्राइवर का आंदोलन में दूर दूर से गाड़ी के ड्राइवर और मालिक जाकर बरकट्ठा जीटी रोड को सुबह से ही जाम किए हुए हैं, जिसे छुड़वाने के लिए बरकट्ठा प्रशासन काफी मशक्कत कर रही है। जीटी रोड लगभग 10 किलोमीटर लंबी जाम लग चुकी है और रोड अस्त व्यस्त हो चुकी है। मौके पर बरकट्ठा पुलिस और अंचल अधिकारी मुखिया प्रतिनिधि बसंत साव मुखिया अब्बास अंसारी लोगों को समर्थन देने के साथ साथ समझा बुझाकर हड़ताल तोड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बस, ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर, स्कूल बस, ऑटो रिक्शा आदि सभी प्रकार के वाहन बंद रखने के साथ साथ अपनी मांगों को लेकर बरकट्ठा के झुरझुरी मोड़ झारखंड होटल के पास जीटी रोड को जाम कर दिया गया। चालकों का कहना था कि भारत सरकार के द्वारा 2023 मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में हम लोग बंद रखे हैं। इस काले कानून में किसी भी तरह के वाहन चालकों के द्वारा दुर्घटना हो जाती है तो चालक गाड़ी छोड़कर भाग जाता है या वाहन लेकर भाग जाता है। इसके बाद वाहन चालकों को 10 वर्ष जेल की सजा एवं 7 लाख रुपए जुर्माना की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस काले कानून का हम सभी वाहन चालकों को सामना करना पड़ेगा, चाहे स्वयं की गाड़ी बाइक चलाना हो, इन सभी को इस काले कानून का सामना करना पड़ेगा। हम सभी इस काले कानून को वापस देने के लिए आज यहां बरकट्ठा झुरझुरी मोड़ के पास सड़क जाम किए हैं और जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे। मौके पर काफी संख्या में स्थानीय एवं दूर दराज के ड्राइवर उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए बरकट्ठा से संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। 4 घंटा से बरकट्ठा में जीटी रोड जाम हम लोग देख रहे हैं और जाम को देखते हुए यहाँ सीओ साहब, थाना प्रभारी सभी लोग पहल कर रहे थे। इसी के बीच में हम लोगों को जब पता चला तो स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष में रह चुका हूं और हमारे बरकट्ठा दक्षिणी पंचायत के मुखिया अब्बास अंसारी जी, सभी लोग हम लोग सर के साथ में, सीओ साहब के साथ में, बड़ा बाबू के साथ में मिलकर के हम लोग पहल कर रहे हैं कि जो ड्राइवर संघ का जो मांग है वो मांग जायज है। या आज पूरे भारत में जो सो मोटर संघ की ओर से जो सो बंदी किया गया है, चक्का जाम किया गया है, चाहे वो कोई भी एनएच हो, कोई भी जीटी रोड हो, सभी जगह बंद किया गया है। कहाँ से ड्राइवर पूरी कर पाएगा मेरे को बताओ? ड्राइवर का भी बीवी बच्चे हैं, कोई 5-6 हजार रुपया 7 हजार तनख्वाह कमा रहा है, 10 हजार कमा रहा है, इससे ज्यादा तो कोई कमा नहीं रहा ना। कोई इनका भी कोई है मर्यादा, कोई बीवी बच्चे पालने हैं कि नहीं पालने? रोड के ऊपर तो भिखारियां उतरे फिरते हैं। जब टाइम में हम ड्राइवरी करते थे 6 रुपए दाल था, आज 90 रुपए दाल हो गई है। कभी ड्राइवर की तनख्वाह भी किसी ने 5 से 7 रुपए की है? कोई पूछो है? उधर 9 रुपए डीजल थी जब से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ, आज क्या रेट डीजल है? 40 साल हो गए मेरे को रोड में तके खा रहे हो। आज तुमने एक कानून निकाल दिया आगे, एक कानून कोई निकालने वाला है? ड्राइवर का तो है ही कोई वाली वार्स नहीं। यहाँ चौक में जूते मारेगा कोई, तुम बोलते हस्पताल डपा दो, कौन डपा देगा इतनी भीड़ में? कोई पढ़ाएगा? कोई डपा सकता है? कोई नहीं डपा सकता। अपनी जान बचा के ड्राइवर को भाग के थाने जाना पड़ता है, हैं? और तुम ऊपर से बोलते जो पब्लिक को मार देगा, इतना शिदाई है कोई पब्लिक को मार देगा? जब तुम लाइसेंस देते हो, ड्राइवर ने दारू पिया हो, कोई गलत किया हो, उसके लिए मान ले गलत होएगा, पर सब थोड़ा गलत है? ये तो मजबूरियां है ना हमारियाँ, हम देश प्रदेश में घूम रहे हैं, इसलिए थोड़ी जी मेहरबानी करो, इस करके गड़ी हाथ जोड़ते हैं भी साढ़े गरीबा जान छोड़ो, आड़ी बच्चे पालन दो। एहो जी सरकार की लेना है, एहो जी सरकार को जिन्हें आ काम करन रही है, है? अगर ये कानून वापस नहीं होता तब तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोएंगे लेंगे और क्या करेंगे? कर क्या सकते हैं? हमारे पास में है क्या है? अभी नहीं मानेंगे तो दूसरा मालिक हमारे को डांटेगा, क्या कर सकते हम? हमारी को सुनता है, मैं एक बोलूंगा मैं गाड़ी में नहीं जाता, दूसरा भाई जाने को तैयार है, है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने बीवी बच्चे पालूंगा, बकरियां रख लूंगा, और क्या करूंगा? सही बात। क्या नाम है आपका? बलकार सिंह। निवासी हूँ मैं, पर ये ड्राइवरों का सपोर्ट में हूँ। जिस तरह से हमारे शरीर में धमनियाँ होती है जो हमारे दिल से खून को पहुँचाती है पूरे बॉडी में, ये ड्राइवर हैं जो कोना कोना तक सामान पहुँचाते हैं। हम लोग रात में सो रहे होते हैं तो ये उस वक्त भी ये लोग जाग के, जिस तरह सेना बॉर्डर पर जाग के, इस तरह रात भर ये जाग के और सामान को पहुँचाते हैं तो पूरा देश हमारा चलता है। हमारे देश में जय जवान जय किसान तो हुआ, लेकिन कभी जय चालक नहीं हुआ। इस देश के अंदर चालकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। यहाँ पब्लिक चाहे कहीं का भी हो, बेतहाशा मारती जैसे कोई हैवान हो ड्राइवर, इसको इस तरह से मार दिया जाए इनकी गलतियों पर, इसलिए इसकी सुरक्षा को सूचित किया जाए, इनको इंश्योरेंस दिया जाए और ये गर्मियों में बिना एसी के सफर ही ना करें।
ड्राइवर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस देश में इज्जत मिलना चाहिए, इनको सम्मान मिलना चाहिए ड्राइवरों को। आमने सामने लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड, हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन, आपके साथ, आपके लिए, इन एसोसिएशन विद सांध्य दैनिक, विरसा का गांडीव, शहर की धड़कन।